यमुनानगर में दिन ब दिन बढ़ रहा है बदमाशों का कहर। सीआईए स्टाफ में तैनात पुलिस कर्मचारियों को बदमाशों ने गोलियों से दिया भून। बुरी तरह से घायल कर्मचारी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी के साथ कर रहा है संघर्ष। हरियाणा की खट्टर सरकार में जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आमजन की क्या गारंटी है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि किसी पर भी गोलियां बरसाना उनके लिए बच्चों का खेल बन चुका है। बुधवार रोहतक में जब एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या की बात अभी सुर्खियों में उतरी ही नहीं थी कि देर रात नारायणगढ़ सीआईए स्टाफ में तैनात एक और पुलिसकर्मी की को गोली से भून दिया गया। पुलिस कर्मचारी विशाल शर्मा जैसे ही यमुनानगर स्थित अपने घर पहुंचा, बदमाशों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बुरी तरह से घायल पुलिस कर्मचारी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के साथ संघर्ष कर रहा है और हमलावर बड़ी आसानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए। आदित्य की माने तो विशाल ने अस्पताल आते समय उसे बताया कि दो नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। बहरहाल आदित्य के बयानों पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश में पूरे जिले की नाकाबंदी शुरू कर दी है, लेकिन ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान पहले से ही जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है और अगर इतने पहरे में बदमाश पुलिस कर्मचारी को गोली मारकर साफ निकल जाती है तो नाकाबंदी के क्या नतीजे निकलेंगे, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि बुधवार को रोहतक में भी बदमाशों द्वारा एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और 24 घंटों के भीतर बदमाशों का पुलिस पर यह दूसरा गोलीकांड है। इस मामले को लेकर सभी अधिकारी मीडिया को फेस करने से कतरा रहे हैं, जिसके साफ संकेत है कि जिस प्रदेश में खुद पुलिस सुरक्षित नहीं वहाँ आम आदमी की जान माल की हिफाजत राम भरोसे ही चल रही है। गेट पर गया इसने, जब तक बाहर निकला पूछा है कि मुझे शायद गोली लगी, तो बस मैं साथ उसको उठा गया, इसे घर फ़ोन करा, साथ साथ उसको हॉस्पिटल ले आए। इससे बात तो पत्नी नहीं पता ही पोस्ट में जो भी बता दें तो उससे कहाँ पोस्टेड है ये सी नारायणगढ़ पोस्टेड। क्या नाम है इनका? विशाल शर्मा। बाकी वो एक दो लोग थे, उन्होंने कपड़ा बांध रखा था फेस पे और उसे लगा भाई सस्पेक्टेड है वो, तो उसको लगा भाई शायद कुछ गलत ना हो, उसे उनके पास जाने लगा ना कुछ नहीं थी, ये जो भी उन्होंने साथ फायर कर दिया।